नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। बृहस्पति देव सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे शुभ ग्रह होते हैं। देव गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज कहलाता है। वैदिक ज्योतिष में पुखराज पांच रत्नों में से प्रमुख स्थान रखता है। इसे गुरु रत्न अथवा रत्नराज भी कहा जाता है। यह रत्न काफी पवित्र माना जाता है। पीला पुखराज रत्न बृहस्पति की ऊर्जा तरंगों को अपनी ऊपरी सतह से आकर्षित करके अपनी निचली सतह से धारक के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जिस कारण व्यक्ति के ऑरा में बृहस्पति का प्रभाव पहले की तुलना में बढ़ जाता है। बृहस्पति देव ही विवाह और संतान के कारक होते हैं, इसीलिए पुखराज धारण करने से वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति का योग बनता है। जिन दंपतियों को पुत्र की लालसा हो, उन्हें भी पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक भी माना जाता है, इसलिए यह रत्न शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करता है। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को पुखराज अवश्य ही धारण करना चाहिए। पुखराज धारण करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जिन रोगों में दवाइयां काम ना कर रही हों, तो पुखराज धारण करने से अनेका अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और दैवीय कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। बहुत से रत्न व्यापारी अधिक मुनाफे के लालच में कोई भी पीला पत्थर पुखराज बताकर ग्राहक को पकड़ा देते हैं। अगर आप भी पुखराज खरीदने की सोच रहे हैं, तो किसी अच्छी व प्रतिष्ठित रत्नों की दुकान से सर्टिफाइड पुखराज ही खरीदें। 24 घंटे तक दूध में रखने पर पुखराज को कभी भी अपना रंग नहीं बदलना चाहिए। धूप में सफेद कपड़े पर रख देने से असली पुखराज में से पीली किरणें फूट पड़ती हैं। आग में तपाने पर असली पुखराज तड़कता नहीं है, साथ ही उसका रंग बदलकर एकदम सफेद हो जाता है। पुखराज धारण करने से पूर्व बृहस्पति से संबंधित पीली वस्तुओं जैसे केला, हल्दी, पीले कपड़े, चने की दाल तथा शक्कर आदि का दान अवश्य करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस रत्न का प्रभाव व्यक्ति के वजन के अनुसार होता है। अगर आपका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा है, तो पुखराज का वजन कम से कम 5 कैरेट या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़वाकर तथा शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन अथवा गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रातः सूर्य उदय से 11 बजे के मध्य दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। पुखराज को 3 महीने में एक बार अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अंगूठी को दूध, गंगाजल, शहद और शक्कर के घोल में डाल दें। ऐसा करने से उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।